ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या अगर आपसे श्रेष्ठ प्रूफ दैट यहां पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल। बेटा किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। बच्चों ये क्या बना लेना चाहिए? पैरेललोग्राम बना लिया। गिवन में हमें क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा टू प्रूव, बेटा पहले फिगर कंप्लीट करते हैं, सुनिएगा। बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल, दो कंसेक्यूटिव, क्या ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हैं? यस सर। इनके बाइसेक्टर्स ऐसे जाके मीट करेंगे आगे? यस सर। मान लेते हैं ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। यस, आपसे कह रहा है दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहां 90 लेके आना है। बहुत शांति से आराम से सुनना, कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है और बहुत ही सिंपल है। बेटा जब ये पैरेललोग्राम है तो एडी बीसी के पैरेलल होगा? यस सर। एडी पैरेलल टू बीसी एंड एबी इज अ ट्रांसवर्सल। और बच्चों अगर ऐसा होगा देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। हाफ का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना चाहूंगा। मैंने आपको पहले बताया बाइसेक्टर वर्ड आते ही बेटा हाफ ऑफ ए कोई भी ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन लेंगे अंदर वाला। स्टूडेंट्स बी का हाफ ये भी और ये भी, लेकिन ये ओबीए। रजत आपको समझ में आ रहा है? यस सर। 90 दिस इज द क्वेश्चन। मेन चीज हो सकता है आपको आ भी गया हो, लिखने का तरीका गलत नहीं हो। आगे सुन बेटा, इन दोनों एंगल्स का सम 90। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। अगर किसी ने इस वे में नहीं लिखा है देन प्लीज आप ऐसे ही लिखें, ट्रायंगल एओबी में एंगल एओबी, एंगल ओएबी और एंगल ओबीए तीनों का सम कैसे? रजत बेटा ओबीए और ओएबी दोनों का सम 90 दिया है, मैं आपको करना चाहूंगा एंगल एओबी प्लस 90। कहां से? इक्वेशन वन से। बेटा 90 दर्जा के माइनस हो जाएगा तो एंगल एओबी कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, हेंस यही लाना था कि वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए।